अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपको एक ऐसा परिंदा दिखाने जा रहे हैं कि जो दिखने में तो बहुत ही स्वीट सा है, लेकिन जो है वो बहुत ही खूंखार होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वो परिंदा है जिसका नाम है उल्लू, और जो झटकी ज़बान है उसमें इसे चिलबिल भी कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको एक पहले वीडियो दिखाई गई थी, वो वैसे ही हंसी मजाक के लिए बनाई गई थी। और जो ये वीडियो है, ये प्लीज़ पूरी वॉच करना और इसमें मुकम्मल तफसीलात बताई जाएगी। तो दोस्तों, ये जो परिंदा है इसको दिन में नज़र नहीं आता, और जो रात होती है उसमें नज़र आता है। तो तकरीबन ये 1 किलोमीटर की रेंज तक ये देख सकता है। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियो देखी है जो फेक वीडियो बनाते हैं। ज़्यादा जो वीडियो होती है वो फेक वीडियो होती है। तो कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि जो उल्लू होता है वो नकली उल्लू बनाकर उस पर वीडियो बनाते हैं। तो कुछ लोग जो ऐसा करते हैं, जो पिंजरे में कैद हुआ होता है उल्लू, उस पर वीडियो बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये ज़िंदा है और बिल्कुल असली है। तो ये हमने जंगल में पकड़ा है, और ये जो परिंदा है ये बहुत ही खुखार होता है, और जो जितना हमने सुना है ये लोगों की आंखें तक निकाल लेता है। और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, दादा परदादा, वो इसके बारे में एक कहावत भी कहते थे कि ये जो परिंदा है ये लगातार किसी के घर पर आकर बैठे और आवाज़ें लगाए तो उसके घर में कुछ ना कुछ ज़रूर बुरा होता है। तो दोस्तों, ये जो परिंदा है ये काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि काला जादू, और भी काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो काले जादू वाले होते हैं, इनके लिए तो ये बहुत ही अनमोल परिंदा है। और इसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है और खून, ये काले जादू में इस्तेमाल किया जाता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो परिंदा है ये चारों तरफ से गर्दन घुमाकर भी देख सकता है। दोस्तों, यही कुछ वीडियो थी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साथ बेल है उसको लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट, तब तक दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।